दोस्तों, एक बेहतरीन इंसान अपनी ज़ुबान से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के एटसिक्स में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री अक्षर अंचल योजना के तहत बिहार में एक नई भर्ती का आगाज हो चुका है उन अभ्यर्थियों के लिए जो बनना चाहते हैं शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज। दोस्तों, आपको बता दें कि ये दोनों वैकेंसी जो है ये आपको निकाली गई है टोला सेवकों के लिए। तो टोला सेवक का भर्ती ये निकला है दोस्तों आपको शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज के लिए। अब कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि इसका शेड्यूल डेट पब्लिश कर दिया गया है। और आपको बता दें कि कब से कब तक एग्जाम होगा, मतलब कब से कब तक इसके आवेदन लिए जाएंगे, कब इसका ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और कब आपकी ज्वाइनिंग होगी, इन सब के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और ये कुछ अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी है, क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था आपको कि 500 से भी ज़्यादा भर्ती निकलने वाली है टोला सेवकों की। उन टोला सेवकों की भर्ती में करीब यहाँ पे जो भर्ती निकाली गई है उनकी संख्या भी बताई गई है। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। और जो भी मेरे भाई बहन चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पे जाएं और सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, अगर कल आपने इस वीडियो को दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे RRB JEE जिन्होंने दिया है जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम उनका यहाँ पे आंसर की पब्लिश कर दिया गया है और ऑब्जेक्शन डेट भी बता दिया गया है कब से कब तक आपका लास्ट डेट है। और जाके जल्दी से अपना देखें सारा का सारा सिनारियो। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, कोई ऑप्शन गलत लगता है तो उसके लिए भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। कुछ चार्ज लिए जा रहे हैं आपको ऑब्जेक्शन करने की, तो ये आप वीडियो देखिएगा, सारा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, उसके अलावा RRC ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था वेस्टर्न रीजन के लिए, वहाँ पे एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई है, तो जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है वो प्लीज़ देख लें, उनके लिए भी फायदेमंद है। दोस्तों, हम लेकर चलते हैं अब आपको इसकी ऑफिशियल न्यूज़ पे जो कि निकली है दैनिक भास्कर में। और यहाँ पे दोस्तों, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे इस न्यूज़ पे और आपको सारा डिटेल देंगे कि कितने पद यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं शिक्षा सेवक के लिए और तालीमी मरकज के लिए। तो टोला सेवकों की इन भर्ती में आपको बता दें कि शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज को मिला के टोटल वैकेंसी यहाँ पे 199 पदों की बताई गई है। आपको बता देंगे सारा डिटेल यहाँ पे, सारी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। आपको बता दें दोस्तों कि अक्षर अंचल योजना जो है ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा चलाए जाने वाला एक योजना है, जिसके तहत हर जिले में आपको शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज का रिक्रूटमेंट शुरू होने वाला था। इसके बारे में मैंने वीडियो भी दिया था पिछली बार, और उस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा जो डिटेल है, मतलब कितनी वैकेंसी किस जिले में है, इसका सारा डिटेल मांगा गया था सरकार के द्वारा। तो ये सारा डिटेल निकल कर आ गया है और साथ ही साथ इसका डेट शेड्यूल किया गया है। तो डेट शेड्यूल हुआ है इसलिए, कारण क्या है कि आपको यहाँ पे इसका आवेदन कब से होगा ये बताने के लिए, कि इसके लिए जो वैकेंसी रिक्त पड़ी हुई है 199 लगभग पदों, 200 पद मान लीजिए, ये 200 पदों की जो वैकेंसी यहाँ पड़ी हुई है, इन वैकेंसी में कब से इसका आयोजन होगा, कब से इसका आवेदन लिया जाएगा, इन सब के बारे में डिटेल देने के लिए उन अभ्यर्थियों को जो इसके लिए वेट कर रहे हैं। चलिए अब हम देखकर चलते हैं इसकी न्यूज़ पे, क्योंकि ये देखिए महादलित अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक अक्षर अंचल योजना के नाम से जाना जाता है ये योजना, और इसके तहत शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज सेवकों की यहाँ पर भर्ती होने वाली है। देखिए, इस योजना का पूरा नाम है नियोजन मुख्यमंत्री महादलित अति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक अक्षर अंचल योजना, ये उसका पूरा नाम है इस योजना का। इसके तहत शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज शिक्षा सेवकों की भर्ती निकाली गई है। पहले इसके शेड्यूल देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री इस योजना के तहत, मैं पूरा नाम नहीं ले रहा हूँ अब यहाँ पे, अक्षर अंचल योजना के तहत शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज शिक्षा सेवकों की रिक्त पदों की शीघ्र नियोजन की प्रक्रिया पूरी होगी। अब आपका ये जो नियोजन का प्रक्रिया है जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। दोस्तों, शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों के विरुद्ध में नियोजन का शेड्यूल जारी कर दिया। देखिए, डेट शेड्यूल आपके जारी किए गए हैं। अब मैं आपको जो डेट बताऊंगा उसको ध्यान से लिख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये डेट आदमी भूल जाता है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है नहीं, बहुत छोटे लेवल पे एग्जाम होता है ये आपका, ठीक है। जो प्रधान सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने जिला शिक्षा के पदाधिकारी को 4 महीने का नियोजन की प्रक्रिया खत्म करने का आदेश दिया है। अब देखिए, ये जो
प्रक्रिया है ये चल रहा है एक्चुअली, ठीक है। ये जो आपका 4 महीने से लगातार इस प्रक्रिया को चालू किया जा चुका है, और बता दें कि विभाग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार 22 जुलाई को ही इसके संबंधित जातियों की आबादी यहाँ पे बताई जाएगी। अब इनमें जो जातियों के बारे में एक शेड्यूल मांगा गया था सरकार से कि कौन कौन सी जातियाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी उसके लिए निकाली जाएगी कैटेगरी वाइज भी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्वे कार्य पूरा किया जाएगा और 27 जुलाई को रिक्त सूची की तैयारी की जाएगी। चूँकि अभी यहाँ पे 199 पोस्ट अभी भी खाली है, उसके अलावा और भी वैकेंसी हो सकती है यहाँ पे, जो कि 27 जुलाई को आपको बताई जाएगी। तो 27 जुलाई को शेड्यूल में से एक डेट निकल कर आया है जिस दिन और भी रिक्तियाँ यहाँ पे कितनी निकलेंगी इसके बारे में डिटेल दिया जाएगा। 5 अगस्त को संबंधित टोला में वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में नियोजन समिति का गठन किया जाएगा। अब देखिए, ये 5 अगस्त को इस वैकेंसी के लिए आपका एक जो समिति है उसका गठन किया जाएगा, जो कि 10 अगस्त को रिक्त का विज्ञापन यहाँ पे सार्वजनिक किया जाएगा। तो जो दोस्तों आपको बता दें कि 10 अगस्त को आपका वैकेंसी आ जाएगा इस शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज के लिए। याद रखिएगा डेट दोस्तों, 10 अगस्त को ये वैकेंसी का आवेदन यहाँ पे लिया जाएगा आपसे, ठीक है। जैसे ही आएगा मैं आपको इंटीमेट करूंगा, क्योंकि अभी तक आंगनवाड़ी की भर्ती चल रही थी यहाँ पे, अब यहाँ पे मेल मेंबर्स के लिए भी कुछ सरकार ने सोच रखा है। तो चूंकि यहाँ पे आवेदन का जो प्रक्रिया है उसको चिन्हित करके मध्य विद्यालयों में शुरू की जाएगी और 3 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे, यानी कि लास्ट डेट जो होगा आपका अप्लाई ऑनलाइन करने का फॉर्म को, वो आपको कब तक होगा, तो 3 सितंबर तक, ओके, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका एक औपबंधिक मेगा सूची यानी कि एक ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट जो है आपका तैयार किया जाएगा, ओके, उसको प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद 16 सितंबर को जो ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट सूची के विरुद्ध जो यानी कि मेगा सूची जो बनेगा आपका उसके विरुद्ध आपत्ति की सूचना आपको दी जाएगी। अगर आपको आपत्ति होता है तो आप आपत्ति कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट दिया गया है दोस्तों 23 सितंबर, तो 23 सितंबर तक आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा जितने भी आपत्ति आएंगे, और 12 अक्टूबर को निराकरण के बाद फाइनल मेघा सूची का अनुमोदन कर दिया जाएगा। और बता दें दोस्तों कि 16 अक्टूबर को चयनित अभ्यर्थियों की प्रशिक्षण की सूचना जारी होगी। ये देखिए 16 अक्टूबर को आपका रिजल्ट डेट भी दे दिया जाएगा यहाँ पे कि किन किन अभ्यर्थियों का यहाँ पे नाम सेलेक्ट किया गया है। 25 अक्टूबर को यहाँ पे चयनित शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज शिक्षा सेवकों का नियोजन पत्र जारी किया जाएगा तथा 31 अक्टूबर तक चयनित शिक्षा सूची की जन शिक्षा निदेशालय को भेज दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो डेट दी गई है दोस्तों, एक तो 16 अक्टूबर है जिस दिन आपका सारा डिटेल जो है वो सूची जारी कर देगा, और 25 अक्टूबर है जिस दिन आपका पता चल जाएगा लगभग आपको कि आप शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज के लिए यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं, ओके। और 31 अक्टूबर को चयनित शिक्षा जितने भी होंगे, चयन वाले जितने भी यहाँ पे शिक्षा का नियुक्ति होगा उनका जो लिस्ट होगा उसको सरकार को शिक्षा निदेशालय को भेज दिया जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ पोस्ट खाली हैं उनके बारे में जान लीजिए। ये सारा डिटेल मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे डेट से रिलेटेड, क्योंकि डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डेट याद रखिएगा। अब लगातार इसकी भी वैकेंसी आई है तो आएगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे एक कमेंट जरूर आएगा कि सर क्या कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी हो रही है, मतलब अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा या फिर महादलित, सिर्फ यही लोग यहाँ आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे अल्पसंख्यकों में भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट आते हैं, महादलित भी आते हैं, और यहाँ पे जो EBC हैं यानी कि अति पिछड़ा हैं वो भी कैंडिडेट आते हैं। तो अल्पसंख्यकों में भी आप ये आवेदन कर सकते हैं जितने लोग हैं, जैसे कि अल्पसंख्यक में कैटेगरी है मुस्लिम की, सिख की, ईसाई की, तो ये लोग सभी भर सकते हैं जो बिहार से हैं। और ये सब सिर्फ भर्ती बिहार के छात्रों के लिए है, क्योंकि अभी यहाँ पे 199 सीटें बताई गई हैं, उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल जारी होगा 27 तारीख के बाद, 27 जुलाई के बाद, तो यहाँ सीट की जो संख्या है वो बढ़ भी सकती है। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये वैकेंसी सभी के लिए है, शिक्षा सेवक और यहाँ पे तालीमी मरकज के लिए। दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ पे शिक्षा सेवक के 56 तथा तालीमी मरकज शिक्षा सेवकों के 143 पोस्ट, कुल मिला के 199 पदों की ये भर्ती निकाली गई है। और देखिए इसमें बता दें कि शिक्षा सेवकों का नियोजन किया जाएगा इसका टोटल 199 पदों के लिए, अभी फिलहाल ये किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे 199 पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। और बता दें कि पूर्व के सर्वे के आधार पर विभाग ने जिला में 1223 साक्षरता केंद्र का लक्ष्य निर्धारण किया है, तो ये सबसे अच्छी बात है।
पूरे जिले में, हर एक जिले में 1223 साक्षरता केंद्र बनेंगे, जिसमें कि शिक्षा सेवक के 755 और मरकज शिक्षा के तालीमी मरकज शिक्षा सेवक के 468 पद शामिल केंद्र शामिल करेगा। वर्तमान में आपको बता दें कि 1223 केंद्र लक्ष्य के विरुद्ध 1024 केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें कि शिक्षा सेवक के 699 तथा तालीमी मरकज शिक्षा सेवक के 325 केंद्र शामिल हो चुके हैं। देखिए, शिक्षा सेवक के रिक्त पद पड़े हुए 199 केंद्रों के लिए नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जानी है, जिनमें कि शिक्षा सेवक के 56 और तालीमी मरकज के 143 पद अभी यहाँ खाली हैं। देखिए, ये सारे केंद्रों के बारे में बताया गया है, जिस जिस केंद्र का लगभग 1223 केंद्र में 1024 केंद्र ऐसे हैं जो कि अभी सुचारू रूप में हैं। ओके, अब इन सभी सुचारू रूप केंद्रों पे ये 199 की पोस्टिंग दी जाएगी। पर 27 जुलाई को ध्यान रखिएगा, कुछ आपकी सीटें बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी सारा जो वैकेंसी का जितना डेटा है वो सरकार को नहीं पहुँच पाया है, अभी भी यहाँ पे कुछ रिक्त खाली मिलेंगी इनको। और साथ ही साथ 1024 केंद्रों पर ये काम सुचारू रूप से चल रहा है, जिसमें कि अभी 56 और 143 और यहाँ पे जो शिक्षा सेवक हैं और तालीमी मरकज हैं उनकी ज़रूरत है। तो इस पद की वैकेंसी के लिए ये न्यूज़ दिया गया है दोस्तों। अब इस न्यूज़ को आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये सारा न्यूज़ मिल सके और वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकें। चलिए, इसके बारे में तो मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया। अब कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट होता है यहाँ पे, तो नीचे करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए, आप लोग पूरा वीडियो देख लिया करें, हो सकता है कि एक छोटी छोटी लाइन आपको स्ट्राइक करें और नया क्वेश्चन अराइज करने की बातें कर सकता है। तो आप भी यहाँ पे वीडियो को देखेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे, तो मैं आपको आंसर दे पाऊँगा, अन्यथा ये वैकेंसी आएगी और सारी चीज़ निकल के चली जाएंगी, इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। रहा बात इसका क्वालिफिकेशन का दोस्तों, तो ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा जब इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ओके, तो उसके जरिए मैं बताऊँगा कि क्या होता है इसका क्वालिफिकेशन और कौन कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि कैटेगरी वाइज भी निकाला जाएगा कुछ वैकेंसी, और सारा वैकेंसी के बारे में डिटेल हम देंगे इस वीडियो के अपने अगले वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहें इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। और प्लेलिस्ट में जरूर जाएं, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग सारा डिटेल देख सकते हैं, जो भी वैकेंसी के बारे में देते हैं हम लोग यहाँ प्लेलिस्ट में, आपके फोल्डर बनाए हुए हैं, इन सभी फोल्डर्स में जाके, इन तीन फोल्डर्स में खासकर जो भी कैंडिडेट जिसके बारे में, जिस वैकेंसी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं वो देख सकते हैं और सारा डिटेल ले सकते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन की 86 का, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर मिलने वाला है, चाहे वो इसके बेल्ट्रॉन के जीके से हो, क्यूज से, कंप्यूटर क्यूज से हो, उन सबका PDF वहाँ भी आपको शेयर किया जाएगा। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।